वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो प्लॉट का साइज़ 27x38। इसमें जो टोटल कंसिस्ट करता है किचन, बेडरूम नंबर 1, एक यहाँ पर फर्स्ट बेडरूम, सेकेंड बेडरूम, वरांडा, गेस्ट रूम, पूजा रूम, OTS हॉल, बाथरूम, अनदर वन OTS, अटैच टॉयलेट एंड बाथ, कॉमन टॉयलेट एंड बाथ। तो इतना कुछ कंसिस्ट करता है। देखिएगा वीडियो को शुरू से अंत तक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल ऑसम हाउस प्लान्स। एंड और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जानकारी चाहिए तो लाइफ इज़ ऑसम सिविल, मेरा अपना और एक चैनल है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। डेली जो है आपको कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो देखिएगा वीडियो को शुरू से अंत तक और आपको इसी तरह से कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बहुत सारे जानकारी आपको मिलते रहेंगे। एंड सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, मैं भी हेल्पफुल हो सकता है। और आपको फुल व्यू चाहिए तो मैं आपको अंत में बता दूंगा, फुल व्यू आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका एंड कहीं पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्लान, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, तो ये वरांडा है, यहाँ पर वरांडा से यहाँ पर एक गेस्ट रूम दिया गया 9 फीट 6 इंच टू 8 फीट 6 इंच। इधर जो है स्टेयरकेस के नीचे आप सेपरेट टैंक और लैंडिंग के नीचे एक टॉयलेट रूम ले सकते हैं। ये हॉल आपका 13x12 फुट 3 इंच और यहाँ पर जो पूजा रूम बनाया गया है 6x6 3x6 फुट में। यहाँ पर जो है OTS रखा गया है, वहाँ से वेंटिलेशन के लिए जगह मिल जाएगी आपको। इधर जो है दूसरा वाला बेडरूम 11x8 फीट में। तो देखिएगा यहाँ से आप एंटर होते हैं साउथ और ईस्ट कॉर्नर पर जो है किचन दिया गया है। किचन का साइज़ 9 फीट 6 इंच इंटू 10 फीट, जो कि इसका साइज़ काफ़ी कंफर्टेबल है एंड मोस्ट कन्वीनियंट भी रहेगा। और कॉमन टॉयलेट एंड बाथ 7x3 फीट 6 इंच है कॉमन टॉयलेट एंड बाथ। फिर यहाँ से आप एंटर करते हैं बेडरूम नंबर 2, उस साइज़ 11 फीट इंटू 8 फीट, बेडरूम नंबर 2 साइज़। यहाँ पर है बेडरूम नंबर 1 11x10 फीट 6 इंच फर्स्ट वाला बेडरूम। और देखिएगा ये आपका अटैच टॉयलेट एंड बाथ 5 फीट इंटू 6 फीट 3 इंच का। एंड इधर जो है OTS रखा गया, ओपन टू स्काई फॉर गुड वेंटिलेशन पर्पोज, थोड़ा बहुत कुछ आपको हेल्पफुल हो सकता है बट पाइपलाइनिंग करते वक्त मैक्सिमम प्रॉब्लम हो जाएगा बिकॉज उसके नीचे बीम आ जाएंगे तो बहुत सारी दिक्कत हो सकता है उस वक्त, उसको आप अवॉइड कर इसीलिए कभी भी क्या कर लीजिएगा, फुल आउटसेट ऑफसेट कंपलसरी छोड़ दीजिए। यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये बॉर्डर दिया गया है, जस्ट एक अच्छा लुक के लिए, बट एक्चुअली यहाँ पर ऑफसेट नहीं है। ओके, एंड यहाँ पीछे सिर्फ 1.5 फीट का ऑफसेट, जहाँ पर भी ऑफसेट है वहाँ पर लिखा गया है छोटे अक्षरों में 1.5 फीट का ऑफसेट दिया गया, यहाँ पर 3 फीट, यहाँ पर 3 फुट 6 इंच का। तो इस तरह का एक सिंपल सा प्लान जो कि बनाया गया था। एंड कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा एंड इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहे ना हमारे इस चैनल को, शेयर कर दीजिए व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना ज़रूर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतने, कॉलम का पोजिशन के बारे में बताना चाहूँगा। कॉलम पोजिशन देख लीजिएगा, यहाँ पर एक कॉलम आ जाएगा, सेकेंड कॉलम, थर्ड, ओके, सेम उसी तरह 4, 5 और 6, 7, 8 और 9, 10, 11 और 12 कॉलम। सो टोटल 12 नंबर ऑफ कॉलम में आप घर इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये कुछ सिंपल सा प्लान जो आज हम आपको बताया है एंड इसी तरह से आने वाले समय में आपको कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जानकारी मिलते रहेंगे इस चैनल पर। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहेगा, सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।